डॉक्टर, चोट लगी है इससे, इलाज कीजिए इसका। ये क्या हुआ इसे? किसने मारा इसे? मैंने मारा इसे। वैसे देख क्या रही हैं? चेक कीजिए। बड़ी मुश्किल से होश में रखा है इसे। क्यों? चुप! अरे लाया हूं ना हॉस्पिटल तुझे। हाँ, हेलो मैडम। अरे कहां खो गई थी आप? चेक कीजिए, देखिए मरमरा जाएगा। अब बेकार में ये हॉस्पिटल बदनाम होगा, आप भी बदनाम होंगी। Check him now! What's happening? क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर देखिए ना इसे, डॉक्टर लगती है लेकिन जानती कुछ नहीं। देखिए, ये डॉक्टर नहीं है, कोई गलतफहमी हुई है आपको। डॉक्टर नहीं है? तू इतनी देर से नाटक क्यों कर रही है? चलिए निकलिए। एक्सक्यूज मी, आप उन पर चिल्लाइए मत। भाभी आप बाहर बैठिए प्लीज, मैं हैंडल करता हूं। आइए। हेलो, देखिए डॉक्टर साहब। हाँ, ये तो पुलिस केस है। अरे तो बुला लेना पुलिस को, लेकिन चेक करो पहले, बयान देने से पहले बेहोश ना हो जाइए। समझ रहा है ना? ये चोट कैसे लगी? मैं जा रहा था, कार से टकरा गया, कार का नंबर भी नोट नहीं किया। कार से टक्कर, लेकिन चोट से तो ऐसा नहीं लगता। मारा मैंने, बयान ही गाड़ी वाला देगा। हाँ, कार के सामने आ गया था। ठीक है, आप लोग प्लीज यहीं वेट कीजिए, मैं नर्स को लेकर आता हूँ। एक बार फिर से बताओ, तुझे चोट कैसे लगी? मैं जा रहा था, कार से टकरा गया, कार का नंबर भी याद नहीं किया। ये बात, ये बात। अरे वेरी गुड अल्लाह, भाई यही बात अच्छी लगती मुझे इसकी। ठीक है, तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर तेरे साथ ना। ओके। नर्स चेक करो। हेड खराब। चेक करो। अरे एक मिनट, ब्लड ग्रुप क्या? जरा ओ पॉजिटिव। झूठे, पॉजिटिव तो कहीं से नहीं है तू। देखिए इसको खून चाहिए तो दे देना, बच जाएगा ये। चलता हूँ। सॉरी, आप ठीक है? ओए,
भाभी आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं कब से उधर ढूंढ रही थी आपको। ये भाई का कैबिन था। भाभी आप शायद मत होइए ना, आप तो चलिए सोनोग्राफी का नंबर आ गया। भाभी एक मिनट आप चलिए मैं आई। ओए सनी लेफ्ट ले लेफ्ट, और बॉम्ब उस घर के अंदर उठा उसको। ओए तूने मिस कर दिया भाई, क्या रूम था मेरा का, और लाइट भी रिमोट वाली। ओए रॉनी लेफ्ट ले लेफ्ट यार, अबे बॉम्ब उस घर के अंदर, और गन उठा ली उसने यार, और मीरा का बेड, और मैं तो सीधा जाकर वहां पे लेट गया। इतना स्पॉन्जी था। ओए यार मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ओ क्या हो गया भाई, ओ मम्मी का मूड तो ऐसे ही ऑफ रहता है, वो तो टेंशन ना ले। अरे मीरा एकदम सॉलिड है। तू जाने यहां से। ओ भाई इतना भी बिजी आदमी मत बन, और सीईओ बन गया कंपनी का। ओ तेरे ही तो काम की बात कर रहा हूं, और शादी की बात जरूरी नहीं है। ओ ऐसे मत बात करा कर यार मुझसे। वो तेरा बर्थडे है यार आज। ओए अब मत बोल, ये देख 12:01 पे कैसे आ गए। इसको कहते हैं प्यार। तेरे साथ कब से बैठा था कि तू अचानक बोलेगा हैप्पी बर्थडे, लेकिन तेरे को तो काम से फुर्सत नहीं है। I'm so sorry यार। ओ ना रहने दे सर। यार ऐसे मत कर यार, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। ओए ऐसे सुखी सुखी करेगा, चल। हाँ तो मिठाई लाई हूँ ना तेरे लिए, केक तो आज शाम को कटेगा। भाभी आप चुप करो ना, मैं तो देखना चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। ये रख। ये क्या है? काम तो तू सीईओ वाले करता है, पर पॉकेट से निकला 500 रुपए। भाभी ये देखिए, काम काजी बंदा अपने छोटे भाई को बर्थडे वाले दिन 500 रुपए दे रहा है। ओए 500 भी बहुत है, भूल मत उसे अभी घर का खर्च भी उठाना पड़ता है। क्या हो गया अंगद? भाभी बता रहा हूँ मैं, बदल गया मेरा भाई, आजकल ऐसे ही मुंह फेर लेते हैं। मीरा से भी अच्छे से बात नहीं करी इसने, जब देखो काम काम काम। हाँ तो बिजी था मैं ना अंगद, इस बात पर सपोर्ट नहीं करूंगी मैं तेरा। तुझे होना चाहिए था वहां पर, मीरा की आंखें ढूंढ रही थी तुझे पता है। अब अगली बार जब हम जाएं तो ऑफिस से छुट्टी ले लेना। ओ बर्थडे बॉय, चल तुझे आइसक्रीम खिलाता हूं। ये करीना बड़े भाई मेरी बात। चलो भाभी सोनिया आप भी चलो। नहीं मैं नहीं। आप भी चलोगे? भाई एक से मन नहीं भर रहा, और एक तो बनती है। पागल है क्या? अंगद मुझे भी एक और चाहिए प्लीज। भाभी आप भी बिगड़ रहे हो इसके साथ रह रहे के। अच्छा चलो आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। मम्मा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं उसे मत कर। ओ मुझे नहीं डांट सुननी भाई, ओ तू बात कर। अबे मुझे क्यों दे रहा है, तेरा बर्थडे तू बात कर। ओ ओ भाई ओ, लेकिन लाया तो तू है इतनी रात को, और तू बात कर। मैं सोनी, लेकिन तेरा फोन है ना, तू कर। कट गया। अरे रब्बा शुक्र टली मुसीबत। मम्मा का फोन। अब तेरे फोन पर आया ना, उठा उठा। नहीं यार वो 10 सवाल पूछ लेंगी। तेरा बर्थडे है तू कर। मैं नहीं उठा रहा, तू उठा। तू मुझे क्यों दे रहे हो? अभी
भाभी भाभी बात करो नहीं रुक अरे सोनी कभी ओए भाभी संभाल लीजिए उनको चलो जल्दी आइसक्रीम लेकर आ जाओ चलो 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 हेलो जी मम्मी जी अमृता पुत्र तू कितने हो तुम लोग हाँ वो हम लोग आइसक्रीम खाने आए थे मम्मी जी अंगद सोनिया और इनके साथ रहकर ना तू भी बिगड़ती जा रही इस वक्त बाहर जाना अभी ठीक नहीं है वैसे इतनी देर रात गए आइसक्रीम खाने का आइडिया किसका था वो मम्मी जी मेरा ही था मुझे मन हो गया था आइसक्रीम खाने का तो अंगद ले आया हमें किसे बचा रही है तू पुत्र ये जरूर उस कबीर निकम्मे का फितूर होगा हम बस वापस आ ही रहे हैं मम्मी जी हेलो अमृता पुत्र ये आवाज कैसी है हेलो मैंने मारा इसे हेलो हेलो पुत्र सुनाई दे रहा है हेलो हाँ मम्मी जी हम लोग बस निकल ही गए हैं चल चल चलो चलो हाँ अभी आपकी फेवरेट अंगद हम लोग घर चल के आइसक्रीम खाते हैं ना पिघल जाएगी ना भाभी हाँ तो कहीं और चलते हैं ड्राइव पे चलते हैं भाभी मैं ड्राइव करूंगा तो आइसक्रीम खाऊंगा कैसे अंगद चल ना मैं तुझे खिला दूंगा भाभी को ये जगह नहीं अच्छी लग रही है बस बात खत्म चल के ओए किसकी बाइक है ओ हीरो ओ भाई खड़ा भाई इसको तो मैं देखता हूँ कभी अंगद तू गाड़ी पीछे ले ले खामखा झगड़ा नहीं कर रहा है हमें कभी रहन देना तू ओ भाई साहब प्लीज अपनी बाइक साइड पे कर लो यार We'll be right back.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।